थाना कटघर क्षेत्र में वार्ड 12 सरस्वती बिहार 1 माह से गटर बंद होने पर गटर का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क व घरों में फैल रहा है। सूचना देने पर भी नगर निगम द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नगर निगम कार्यालय पर वार्ड 12 क्षेत्र की जनता के साथ प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन नगर आयुक्त को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि वार्ड 12 में टी पॉइंट पर रामवीर सिंह वाले रास्ते पर सरस्वती बिहार में बंद गटरों को तत्काल खुलवाया जाए व उसकी सफाई कराई जाए, घर में फैला गंदा पानी रोका जाए, गंदगी से राहत दिलाई जाए। साक्षी गोविंद नगर ब्लॉक सी में रामकिशोर रस्तोगी गली के बंद पड़े गटरों की सफाई कराई जाए। आज हमारा ये भाकपा माले की तरफ से कार्यक्रम है महानगर के वार्ड 12 में। जो ये गटर बनाए गए थे सड़कों पर, वो गटर 1 महीने से चौक हैं और चौक होने से उनका पूरा पानी ओवरफ्लो होकर के सड़कों के ऊपर फैल रहा है। लोगों के घरों के अंदर गंदा पानी है, दुर्गंध आ रही है, घरों के अंदर रुका नहीं जा रहा। संबंधित अधिकारियों से शिकायत करते करते 1 महीने से परेशान हो गए और समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। 10 क्षेत्र पर भी जो जन सुनवाई पटल मुख्यमंत्री जी का है, उस पर भी मोहल्ले के लोगों ने तमाम शिकायतें की हैं और वो शिकायत समाधान के लिए नगर आयुक्त जी को वहाँ से भेज दी गई हैं, लेकिन नगर आयुक्त जी ने भी एक कर्मचारी को भेज करके वहाँ की समस्या का समाधान नहीं करवाया ना दिखाया। नगर आयुक्त जी के व्हाट्सएप नंबर पर भी खुद मैंने अपने मोबाइल से उस पानी का, गटर का जो पानी फैल रहा है वो भी भेज दिया है, लेकिन उन्होंने आज तक मोबाइल खोल के ही नहीं देखा है। ये हालात यहाँ के मुरादाबाद के अधिकारियों की है। 30-40% हर चीज में कमीशन ले रहे हैं, कमीशन खोरी के चलते जनता दुखी है। जो पाइप डाले गए हैं वो घटिया सामग्री के हैं, वो सभी पाइप जो हैं वो बंद हो गए, बैठ गए हैं और उनमें पानी पास नहीं हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि मोटी रकम ली गई और घटिया सामग्री लगाई गई और उससे जनता दुखी है, वो पानी की निकासी नहीं हो रही है। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि तत्काल में उन गटरों की सफाई कराई जाए, वो पानी की निकासी कराई जाए, ताकि लोगों के घरों में गंदा पानी ना घुसे और ये व्यवस्था नहीं चलने की जैसे पूर्व व्यवस्था थी, उस पानी को वैसे का वैसे नालियों में छोड़ दिया जाए तो जनता को सुकून मिलेगा।